हेलो एवरीवन, दिस इज संगम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन खान मार्केट। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन के बारे में और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट और बेस्ट बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट द यूपीएससी ऑफर इन द आईएएस मेंस एग्जाम। सो बहुत कम स्टूडेंट, हर साल बहुत कम स्टूडेंट अपने ऑप्शनल के लिए स्टैटिस्टिक्स को ऑप्ट करते हैं एंड 20 से लगभग कभी कभी ऊपर जा पाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो दिस इज द ड्यू टू द स्पेशलाइज नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड बिकॉज दैट द फैक्ट दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स टेक दिस सब्जेक्ट फॉर देयर ग्रेजुएशन। सो स्टैटिस्टिक्स इज क्लोजली रिलेटेड विथ मैथमेटिक्स। इन फैक्ट इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द डेटा इंटरप्रिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। सो बस ये डिफरेंस है इन दोनों में, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, कि मैथमेटिक्स हैज अ लॉट ऑफ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज ऑलमोस्ट इंटायरली अप्लाइड साइंस। स्टैटिस्टिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है सिंस इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ते हैं देन आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सिंस देयर इज नो सब्जेक्टिविटी इन दिस सब्जेक्ट। और इसके सिलेबस की बात करें तो द सिलेबस फॉर द स्टैटिक्स फॉर द ऑप्शनल इज क्वाइट स्टैटिक, और इसके स्टैटिस्टिक्स के कुछ कंसेप्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द एवरी फील्ड ऑफ स्टडी, वो ज्योग्राफी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, कुछ भी हो, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और आप इन कंसेप्ट्स को, इन इंफॉर्मेशन को अपने जीएस पेपर के आंसर करने में भी यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए स्टडी मटेरियल्स उतने अच्छे अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आपको इसके लिए यूपीएससी के सिलेबस को देखना होगा, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर को देखना होगा और फिर उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने होंगे, रिपीटेड टॉपिक्स ढूंढने होंगे एंड फॉर दिस मोस्टली यू हैव टू रिले ऑन योर ग्रेजुएशन टेक्स्ट बुक एंड यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ गुड टेस्ट सीरीज ऑल्सो एंड देर इज नो ओवरलैप विद द जीएस पेपर। और इसके लिए कोचिंग आपको मोस्टली इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी क्योंकि इसके लिए कोचिंग भी उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसके लिए सेल्फ स्टडी ही करनी होगी। और आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए तभी आप अपने ऑप्शनल को चूज करें। इस ऑप्शन में दो पेपर होते हैं, 250-250 मार्क्स के पेपर वन एंड पेपर टू, टोटल 500 मार्क्स के ऑप्शनल पेपर होते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को अपने ऑप्शनल के लिए ऑप्ट करते हैं तो सबसे पहले इसके यूपीएससी सिलेबस को पढ़िए अच्छे से, फिर प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर को देखिए, कम से कम पास्ट 10 इयर्स पेपर्स को तो जरूर देखें, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी रिपीटेड टॉपिक्स हैं उसको देखें एंड जो भी रिपीटेड टॉपिक्स हैं उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करें, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करें उसमें एंड इसको ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करें। एज इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप आंसर्स लिख पाएंगे, उतने कम मिस्टेक्स आप एग्जाम में करेंगे। एंड जैसा कि हमने कहा कि इसके लिए टेस्ट सीरीज रेडली अवेलेबल है, तो आप प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा ताकि आप उसके एग्जाम पैटर्न को समझ जाएं और कौन से टॉपिक कितने इम्पॉर्टेंट है, कौन से रिपीटेड टॉपिक हैं आप वो सब समझ जाएं, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी आप देख लें और ये सारी चीज आप वहां से समझ जाएं। सो अभी इसके लिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट और बेस्ट बुक्स बताऊंगी स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल के लिए। Now first is an introduction to probability theory and mathematical statistics by V.K. Rohtagi. Second is fundamentals of applied statistics by S.C. Gupta and V.K. Kapoor. And fundamentals of statistics 2 volume A.M. Goon, M.K. Gupta and B. Das Gupta. Introductory probability and statistical application Paul Mayer. Fundamentals of Mathematical Statistics, V.K. Kapoor and A.C. Gupta. Sampling Techniques, William G. Cochran. So guys, ये थे कुछ important books statistics optional के लिए, और अगर आपको UPSC के लिए notes चाहिए तो आप onlinekhanmarket.com पे visit कर सकते हैं, यहाँ सारे best coaching institutes के notes available हैं,
सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स यहाँ अवेलेबल हैं। आप नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं एकदम लोएस्ट प्राइस पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।